कुशवाहा समाज की महिलाओं ने घर के बाहर अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने वाले कंजर जाति की महिलाओं का किया विरोध। थाने में की थी शिकायत, इसको लेकर कंजर जाति की महिलाओं ने पिछोर कशी मंडी के पीछे रहने वाली कुशवाहा समाज की महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी। कुशवाहा समाज की महिलाओं ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मामला पिछोर की कृषि उपज मंडी के पीछे वार्ड क्रमांक 5 का है, जहाँ कुशवाहा समाज के लगभग 20 परिवार रहते हैं। कुशवाहा समाज के घरों के बाहर मंडी प्रांगण में कंजर जाति की महिला के द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जाती थी। इस बात का विरोध कुछ दिन पहले कुशवाहा समाज की महिलाओं ने किया था और पिछोर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अवैध कच्ची शराब जब्त की थी और एक महिला पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया था। इसी बात को लेकर आज अवैध कच्ची शराब बेचने वाली महिला और कुछ साथियों के साथ कुशवाहा समाज की महिलाओं के घर पहुंचे गाली गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे कुशवाहा समाज की महिलाएं डर गई और पुलिस के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची। कुशवाहा समाज की महिला का कहना है कि कच्ची शराब हमारे घर के बाहर बेची जाती है, जिसे हमारे परिवार के लोग कच्ची शराब पीते हैं और बीमार पड़ते हैं और नशे में घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी मदद करे और हमारे घर के बाहर से कच्ची शराब बेचने वालों को हटाया जाए और उक्त कार्रवाई की जाए। पिछोर से सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बती। कहाँ की हो? गल्ला मंडी के पीछे से कतियावर पैसे आए। अच्छा, आज सारी महिलाएं इकट्ठी होकर थाने आई, क्या मामला है? जो मामला है, कच्ची दारू बेचती है, उससे हमारे आदमी बीमार होते हैं, बीपी के नंगे नचते हैं, बंगो बिटिया को गाली देते हैं और अभी आती हैं तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को जान से मार के देंगे। अच्छा, तो इसकी शिकायत की थी पहले आपने थाने में? शिकायत की थी हमने थाने में। तो फिर सारा पुलिस ने कार्रवाई की थी? कार्रवाई की थी, एक दो दिन गए थे। हाँ। उसके बाद फिर नहीं गए। अच्छा, फिर वे चल लगी है पुच्ची। अच्छा, वो अभी गई थी हमारे घर पे जाके, बच्चों की कहती है कि इसकी उंगली उंगली नहीं बचन देंगे, सबको जान के मारेंगे, जान से मारेंगे। जान से मारने की धमकी दी? हाँ, जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, जो कच्ची शराब बेचते हैं वो महिलाएं? हाँ, महिलाएं हैं वे। तो आपके घर में घुसी थी? हाँ, आज घर में घुसी थी। घर में घुस के धमकी दी? घर में घुस के धमकी दी है। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं पुलिस से? हम जो चाहते हैं कि यहाँ से हम भगाई जाए, यहाँ से वो कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन हमारे यहाँ से अड्डा हटाया जाएगा। अच्छा, वहाँ अड्डा बना लिया है? अड्डा बना लिया है उन्होंने। कच्ची शराब बेचती है? कच्ची शराब बेचती है। अच्छा, तो पुलिस से मदद चाहती हूँ? पुलिस से मदद चाहती है।